नमस्कार जी, जैसे कि फसल बढ़ती जा रही है, इसका देख रेख करना बहुत ही अनिवार्य है। ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये 34 दिन की हो चुकी है। इस फसल में अब निंदाई, गुड़ाई, खतौरा, फर्टिलाइज़र्स डालने बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, इस समय आप देख रहे हैं इसकी गुड़ाई चल रही है। गुड़ाई में हम लोग 10 से 15 किलो यूरिया, 20 से 25 किलो SSP, 200 किलो पचा हुआ गाय या भैंस का गोबर मिक्स करके लाइनों में डलवा के उसकी गुड़ाई करवा रहे हैं। गुड़ाई कराने के बाद में इसमें सिंचाई करी जाएगी। दो दिन बाद, गुड़ाई के 2 से 3 दिन बाद सिंचाई करी जाएगी। 2 से 3 दिन बाद का कारण यह है कि अच्छी तरह धूप से जो कचरा है वो सूख जाएगा। गुड़ाई होने के बाद में पानी लगाया जाएगा। सिंचाई करने के 4 से 5 दिन बाद एक स्प्रे करी जाएगी। स्प्रे में आपको मैं बताना चाहूँगा, NPK 18-18-18 या 19-19-19 एक किलो प्रति एकड़ प्रयोग करनी है। आपने ध्यान देना है, अगर आपके खेत में कोई कीट का प्रकोप लग रहा है तो कीट के निवारण के लिए आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं कोई कीटनाशक। जैविक कीटनाशक प्रयोग करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैविक कीटनाशक नीम 10 किलो ले लें, नीम के पत्ते 10 किलो, 10 लीटर गौमूत्र ले लें, उसको पचने दें, एक हफ्ते में पच जाता है, उसकी आप स्प्रे NPK के साथ में कर सकते हैं। अगर कोई फफूंद की प्रॉब्लम आ रही है, कोई रोग लग रहा है, तो फफूंद के लिए NPK के साथ में आपको पहले एक प्रयोग बनाना होगा। एक किलो लहसुन, आधा किलो अदरक एक साथ मिला लें और उसको 1 किलो गुड़ में मिक्स कर दें और एक जार में बंद कर दें जिसमें एयर ना पास हो पाए। एक हफ्ते में वो तैयार हो जाएगा, 1 हफ्ते से 10 दिन में। जैसे तैयार होता है आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छे से प्रिकॉशंस मिल जाते हैं, अच्छे प्रिवेंशंस मिल जाते हैं फफूंद से। धन्यवाद जी।